जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं YouTube चैनल पर धर्म कर्म से संबंधित, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ विशेष डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, उसी क्रम में आगे है सूर्य देवता को जल चढ़ाने के। अधिकांशतः देखा जाता है सभी लोग सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं। क्या कभी आपको ये पता है कि सूर्य देवता को जल क्यों चढ़ाया जाता है और सूर्य को ही जल क्यों चढ़ाया जाता है? यदि आप नहीं जानते तो सूर्य देवता को जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि जो सूर्य लोक है, उसके अंदर मंदेहा नाम के अनगिनत राक्षस निवास करते हैं। वो राक्षस जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो भस्म हो जाते हैं। अगले दिन जब भी सूर्योदय होता है वो पुनः जीवित हो उठते हैं, फिर हम जल चढ़ाते हैं वो फिर भस्म हो जाते हैं, अर्थात वो मरते नहीं है। बार बार हमको उनको जल चढ़ाया जाता है सूर्य देवता को, तो जो उनके लोक में जो मंदेहा नामक राक्षस हैं वो भस्म हो जाते हैं, अगले दिन उन्हें जीवित हो जाते हैं, इसलिए उनको जल चढ़ाया जाता है। ये शास्त्रानुसार कथा है और सूर्य देवता की ही पूजा क्यों? क्योंकि देखिए, आप यदि आपने गीता पढ़ी हो तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चिरकाल से कोई देवता है तो वो सूर्य नारायण भगवान है। भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं उन अवतारों में उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना जरूर की है। तो ये ग्रहों से हटकर देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। इनका विशाल हृदय है। याज्ञवल्क्य ऋषि किसी कारणवश, दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया था और वो अपनी समस्त विद्याएं भूल गए थे, तो उन विद्याओं को याद दिलाने के लिए उन्होंने भगवान सूर्य देव की आराधना की और ये शीघ्र प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको मंत्र दिया कि आप माता सरस्वती की आराधना कीजिए, आपको शक्तियां, आपको ज्ञान वापस प्राप्त हो जाएगा। तो ये इन्होंने समय समय पर भक्तों की मदद की है। सूर्य देवता ग्रहों से हटकर बात करें तो इनकी उपस्थिति से, इनकी पूजा पाठ से आपकी जो संतति है, सुख संपदा है, मान सम्मान है, आत्मबल है, आपका जो तेज है, आपकी वाणी का जो ओज है, आपके चेहरे की जो चमक है, वो काफी विकसित हो जाती है। यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो वो सूर्योदय के समय ही करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। तो जब हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हमको इनके पास में इतनी पावर होती है कि सब कुछ दे सकते हैं। किसी भी ग्रह की यदि आपको पता नहीं है कि आपके कौन सा ग्रह पीड़ा दे रहा है तो भगवान सूर्य देव की ही आराधना करनी चाहिए।
इनकी आराधना से भी 9 के 9 ग्रह संतुलित हो जाते हैं। पिता के ये कारक माने गए हैं, आत्मा के ये कारक माने गए हैं और अग्नि कारक हैं, इनके पास में कोई चीज जा नहीं सकती, तो ये परम पवित्रता के भी कारक हैं, तो इनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। अब इनके जल में, जब हम इनको जल चढ़ाते हैं तो क्या क्या चीज उसमें डालनी चाहिए वो आपको मैं बताता हूं। इनको जल चढ़ाते समय जल के अंदर, मान लीजिए अगर आपका गंगा जल हो, यमुना, जो भी पवित्र नदी का जल हो, बरसात का जल भी चल सकता है, जल हो, जब सूर्य निकलते हैं, उदय होते हैं, या आप पंचांग में देख सकते हैं कि सूर्योदय का टाइम क्या है, तो उससे पहले आप स्नान आदि से निवृत्त होकर, जब ये ताम्र वर्ण, तांबे के जैसे रंग के होते हैं, तब आपको जल चढ़ाना है। जल 3 बार आप तीनों संध्याओं में चढ़ा सकते हैं। एक तो जब ये ताम्र वर्ण के लाल रंग के होते हैं, सुबह पहले सूर्योदय के समय आपको चढ़ाना है। एक ये प्रचंड अवस्था में होते हैं, तब आपको चढ़ाना है ठीक 12 बजे। फिर आपको चढ़ाना है 5:30 गोधूली वेला के पास में, जब ये अस्त होने जाते हैं तब। ये 3 समय होते हैं, 3 संध्याएं होती हैं, आपको जल चढ़ा सकते हैं इनको। जल के अंदर आप 1-2 बूंद गंगा जल की, काले तिल इसलिए क्योंकि काले तिल जो है वो पितरों को तृप्त करते हैं, इनके लोक में पितर भी निवास करते हैं, अर्यमा जिनको बोलते हैं। तो अब हम इनको जल चढ़ाते हैं, काले तिल अर्पित करते हैं, तो जो काले तिल है वो भोग पितरों को प्राप्त होता है। तो केसर है, केसर आप डाल के चढ़ा सकते हैं। जो चावल आदि भी आप चढ़ा सकते हैं, चावल आप चढ़ाते हैं तो सोमवार को और शुक्रवार को, काले तिल आप पितृपक्ष में चढ़ा सकते हैं, शनिवार को चढ़ा सकते हैं, रविवार को चढ़ा सकते हैं, हल्दी आप गुरुवार को, यदि आपके मान लो ये सप्तमी से विवाह में बाधा पहुंचा रहे हैं तो हल्दी डालकर आप जरूर चढ़ाइएगा इन पे। इनके चरणों का ध्यान नहीं किया जाता क्योंकि जितने भी अस्त्र शस्त्र बने हैं, सुदर्शन चक्र है, भगवान शिव का त्रिशूल है, सारंग धनुष है, वज्र है, इन सब की उत्पत्ति सूर्य देव के चरणों के तेज से ही हुई है, अतः इनका तेज अमोघ होता है, सहन नहीं किया जाता, इसलिए इनके चरणों का ध्यान नहीं किया जाता। भगवान के विष्णु, जो भगवान विष्णु है उनका ही इनका स्वरूप माना जाता है। और जब ये ज्यादा बलि होकर बैठ जाते हैं हमारे जन्म पत्रिका में, तब इनको जल चढ़ाया जाता है संतुलित करने के लिए। अब जल चढ़ाए कहां पर, तो जल वहां चढ़ाइए आप जहां उपजाऊ भूमि हो, जहां तुलसा जी हो, जहां केले, आंवला, बेलूपत्र, मनी प्लांट, मतलब कोई भी फूल का पौधा हो सकता है, आप जरूर चढ़िएगा, आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको आसन पर खड़े होकर जल अर्पित करना चाहिए। मंत्र बोलकर भी आप जल चढ़ा सकते हैं। मंत्र जैसे आपको नहीं पता, छोटे छोटे मंत्र हैं इनके, ओम घृणी सूर्याय नमः,
ओम रश्मिमते नमः, ओम समुद्यते नमः, ओम देवासुर नमस्कृताय नमः, ओम सर्वदेव नमस्कृताय नमः। तो इस तरीके से बोलते हुए भी आप जल अर्पित कीजिएगा, आसन जरूर रखिएगा, आराम से चढ़ाइएगा। जल चढ़ाने के बाद आप उसमें केसर डाल सकते हैं, काले तिल, गंगा जल ये अर्पित कीजिएगा, इनकी छवि का आप ध्यान कीजिएगा। और सुबह का जब आप जल चढ़ाते हैं, दोपहर का आप जब जल चढ़ाते हैं, तो जल की जो धारा होती है, उस जल की धारा में से आपको सूर्य का दर्शन करना चाहिए। आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद है, शारीरिक बीमारी के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है। इनकी जो रश्मियां हैं वो पुष्ट होकर आपके शरीर को मिलेंगी, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। यदि आप इस तरीके से इनको जल चढ़ाते हैं, बाकी कई जो उपाय बताए जाते हैं, जैसे कि लाल मिर्च के दाने डालकर अधिकतर लोग चढ़ाते हैं, गलत है। दुकान के बाहर आप चढ़ा देते हैं बिना कोई आसन के, नाली हो, नाला हो, गंदा पानी हो, पानी उसमें मिल जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। लोगों को अक्सर जब मैं कुंडली का अध्ययन करता हूँ, बताता हूँ, तो वो कहते हैं कि हम कब से ही भगवान सूर्य को जल चढ़ाते आ रहे हैं। उद्देश्य उनका सूर्य ग्रह को बैलेंस करना होता है, पर ऐसा नहीं है। उद्देश्य आपका सूर्य ग्रह को बैलेंस करना नहीं है, सूर्य देवता है, देवता मानकर, एक ईश्वर की छवि मानकर आप उनको जल चढ़ाइए, तब मांगिए, तब आपको मिलेगा। ग्रह के रूप में वो अग्नि के कारक हैं, जल नहीं चढ़ा सकते, फायदा नहीं मिलेगा। आसन जरूर बिछाइएगा, फायदा मिलेगा। अगर आप उनके सम्मुख नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उनके दर्शन करते करते सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र की एक माला, तीन माला, जितनी भी आप हो सके पढ़ते हैं, तो उससे आपको अमोघ फल प्राप्त होगा। इनको जो है गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के लिए प्रबल माना जाता है, इनकी उपस्थिति देखी जाती है। सूर्योदय के समय या सूर्योदय से जो पूर्व उठता है, वो जरूर कुछ ना कुछ अपने जीवन में करके जाता है। बहुत ही शक्तिशाली ग्रह हैं, इनकी सेवा से, इनकी आराधना से कोई भी शत्रु हो वो आपके सामने नहीं टिक सकता। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र है, उसका आप जरूर जाप कीजिएगा प्रातः के समय, खासकर जब आप सौम्य ग्रहों के लग्न हैं। यदि आपके जब आपके सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो आपको जरूर करना चाहिए। तो ये थी विधि, सामग्री और कारण सूर्य देवता को जल चढ़ाने के पीछे। यदि अभी भी कोई संशय बाकी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली से आप अपनी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा एक या दो सवाल। और करबद्ध निवेदन है आपसे, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।